हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार और प्रो ट्रेडिंग एकेडमी की मानी ग्रो एजुकेशनल वीडियो सीरीज में आप सभी को मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जो स्टॉक का एनालिसिस करने वाले हैं उसका नाम है अशोका बिल्ड कॉन। जैसे कि आप लोग जानते हैं, अशोका बिल्ड कॉन जो है ये हाईवे प्रोजेक्ट के लिए एक जाना माना नाम है और आने वाले दिनों में गवर्नमेंट का बहुत सारा प्रोजेक्ट इनके पास आने का एक बहुत अच्छा चांस है। तो दोस्तों, इसलिए इस स्टॉक में हम लोगों को कुछ अच्छा खासा मूवमेंट दिख सकता है और उसी के बेसिस पे मैं आज इस स्टॉक को एनालिसिस कर रहा हूँ। और फ्रेंड्स, आपको अगर कोई स्टॉक का एनालिसिस मुझे रिक्वेस्ट करना है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के नीचे और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह पे आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए और देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं अशोका बिल्ड कॉन शेयर प्राइस एनालिसिस। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कृपया इस डिस्क्लेमर को पढ़ लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक बात है दोस्तों कि स्टॉक मार्केट जो है ये एक बहुत ही रिस्की बिजनेस है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात किए बिना कोई भी पैसा स्टॉक मार्केट में मत लगाइए, क्योंकि आप जो भी पैसा लगाएंगे उसका रिटर्न का कोई गारंटी स्टॉक मार्केट में नहीं होता है। तो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से पहले आप जरूर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल प्लानर से एक बार कंसल्ट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग आगे हैं अशोका बिल्ड कॉन लिमिटेड का टेक्निकल चार्ट में और यहाँ पे मैंने डेली चार्ट लिया है। लेकिन जैसे कि आप लोग जानते हैं, कोई भी स्टॉक में पोजीशन क्रिएट करने से पहले मैं उस स्टॉक का जो है फंडामेंटल एनालिसिस कर लेता हूँ, तो आज भी वैसा ही करूंगा और उसके लिए हम लोग जाएंगे स्क्रीनर डॉट इन पे। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं स्क्रीनर डॉट इन पे और यहाँ पे हम लोगों के सामने अशोका बिल्ड कॉन लिमिटेड का जो है फंडामेंटल पेज खुला हुआ है। तो फ्रेंड्स, जो मैं पहला चीज यहाँ पे देखता हूँ वो है बुक वैल्यू। आप अगर देखेंगे तो बुक वैल्यू है 14.76 के आसपास और जो करंट मार्केट प्राइस इसका चल रहा है वो 73.40 चल रहा है। मतलब आप इन दोनों का अगर डायरेक्ट कंपैरिजन करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये जो है 5x प्रीमियम पे जो है ट्रेड हो रहा है। मतलब जो बुक वैल्यू है उसका 5x प्रीमियम पे करंट मार्केट प्राइस ट्रेडिंग हो रहा है। तो दोस्तों, कोई भी इन्वेस्टमेंट के लिए जो प्राइस है वो 5x के थोड़ा नीचे, अगर 4.5, 4.0 ऐसा, मतलब 4x या 4.5x के आसपास मिलता है तो बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसमें इमीडिएट कोई एंट्री नहीं बना सकते हैं और एंट्री कहाँ पे बनाना है वो मैं टेक्निकल चार्ट में जाके आपको समझाऊंगा। दोस्तों, इसके सिवा अगर आप ROCE देखेंगे, मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो आपको दिखेगा ये है 21.77, जो बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये 15 से ऊपर है। और रिटर्न ऑन इक्विटी ROE अगर देखेंगे ये 46.99, इसको मैं बोलूंगा ये ट्रिपल पॉजिटिव है दोस्तों। मतलब ये सिर्फ डबल पॉजिटिव बोलने से भूल होगा, ये ट्रिपल पॉजिटिव है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा है। हम लोग का जो बेंचमार्क है वो 15 है और बेंचमार्क से ये लगभग 3 गुना ज्यादा रिटर्न आपको दे रहा है इक्विटी में। और अगर आप सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो सेल्स ग्रोथ भी 20% के आसपास है, ये भी दोस्तों बहुत अच्छा इंडिकेशन है। मतलब दोस्तों, जो बेसिक फंडामेंटल्स हम लोगों को दिख रहा है इस कंपनी का बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है और इससे हम लोगों को पता चल रहा है कि ये स्टॉक में हम लोग कोई एक ट्रेड बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग जाएंगे इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे और वहां पे देखने का कोशिश करेंगे कि ये स्टॉक जो है शॉर्ट टर्म में कितना इफेक्टिव हो सकता है। तो फ्रेंड्स, चलिए जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे। तो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं अशोका बिल्ड कॉन के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे। अगर मैं 2017 से देखना चालू करूंगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा इसका जो सेल्स है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीमेंट में था 2020 तक। जो एक्सपेक्टेड दिख रहा है नेक्स्ट ईयर का वो थोड़ा कम है क्योंकि सबको पता है कि लॉकडाउन के लिए पूरा काम ही बंद था, इसके लिए उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। क्योंकि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जब चालू हो जाएगा सब, और इसको अगर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट अच्छा खासा मिल जाता है तो ये जो है ये इसको मेकअप कर देगा। दोस्तों, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखेंगे तो वो भी आपको दिखेगा 2017 से लगातार इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहा है। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट ये सब देखा जाए तो आप देखिए ये 2017 में माइनस में था, मतलब नेगेटिव में था, लॉस में जा रहा था, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को संभाला और ये प्रॉफिट में आ गया। आपको जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें भी आपको सेम चीज ही नजर में आएगा। तो फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे हम लोगों को ये पता चल रहा है कि इसमें एक शॉर्ट टर्म ग्रोथ हम लोगों को अच्छा खासा दिखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें एक शॉर्ट टर्म मूवमेंट भी आ सकता है, अच्छा खासा मूवमेंट आ सकता है। तो फ्रेंड्स, चलिए अभी हम लोग जाते हैं इसका बैलेंस शीट में
और वहां पे देखने का कोशिश करते हैं कि इस कंपनी का जो बैकबोन है वो कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं इस कंपनी के बैलेंस शीट में। अगर मैं 2017 से ही इसको देखना चालू करूंगा तो आपको दिखेगा कि इसका शेयर कैपिटल जो है वो इंक्रीज हुआ है। अगर लास्ट कुछ सालों में देखेंगे तो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ था, थोड़ा डिक्रीज हुआ है। मतलब जो इसका प्रोमोटर्स है बहुत सारा शेयर को जो है ऑफलोड कर दिया, उसके बाद थोड़ा सा शेयर को इसने फिर से गेन भी कर लिया। तो इसका मतलब इस साल दोस्तों ये जो शेयर गेनिंग हुआ है प्रोमोटर्स के द्वारा, इसका मतलब ये है कि प्रोमोटर्स जो है एक्सपेक्ट कर रहा है कि इसका जो प्रॉफिट है वो बढ़ सकता है। ये दोस्तों एक पॉजिटिव पॉइंट है। अगर आप कैश रिजर्व देखेंगे तो आपको दिखेगा कैश रिजर्व जो है बीच में थोड़ा कम हो गया था, लेकिन इस साल देखिए फिर से ये जो है कैश रिजर्व को अपना बढ़ा चुका है। मतलब ये भी इस साल के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। दोस्तों अगर आप बोरोइंग्स देखेंगे तो बोरोइंग्स देखिए इस साल आपका घट गया है। तो पिछले साल था 6,000 करोड़ के आसपास, इस साल जो है 5,800 करोड़ के आसपास हो गया है। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो कॉन्सर्न है, एक है अदर लायबिलिटीज जो आपको दिख रहा है कि बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, और दोस्तों फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट भी आप देखेंगे तो फिक्स्ड एसेट भी घटने लगा है। तो दोस्तों ये दोनों जो पॉइंट है ये दोनों हम लोगों को नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है। तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये है कि जो बैलेंस शीट है इससे हम लोगों को ये पता चल रहा है कि अशोका बिल्डकॉन का जो बैकबोन है वो उतना ज्यादा भी स्ट्रांग नहीं है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इस स्टॉक में हम लोग कभी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं सोच सकते हैं। हम लोग इसके जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसके बेसिस पे एक शॉर्ट टर्म ट्रेड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग जाते हैं इसके टेक्निकल चार्ट में और वहां पे समझने का कोशिश करते हैं कि हम लोग यहाँ पे कैसे एंट्री बना सकते हैं एक शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं अशोका बिल्डकॉन का टेक्निकल चार्ट में और मैंने यहाँ पे डेली चार्ट लिया है। अगर मैं यहाँ पे सभी लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ तो आपको ये चार्ट कुछ ऐसा दिख सकता है, और इसको मैं पूरा अच्छा तरीके से आपको समझाऊंगा कि आपको क्या करना है। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले, अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों इस चैनल में मैं जो भी वीडियो पोस्ट करता हूँ वो मेरा पर्सनल एनालिसिस है और मैं पूरा का पूरा एडुकेशनल पर्पस यहाँ पे पोस्ट करता हूँ। तो आप कभी भी ये सब लेवल के बेसिस पे आंख बंद करके ट्रेड ना करें, आप इसके ऊपर अपना भी एनालिसिस लगाए, आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे भी बात करें और उसके बाद ही डिसीजन ले कि आपको ट्रेड करना है या नहीं करना है। तो फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं एनालिसिस में। दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे तो सबका ही जो है एक ड्रॉप हुआ था, आपको पता है कि जनवरी महीने से पूरा ड्रॉप ही गया था। अगर उसके बाद आप देखेंगे तो ये एक हायर हाई पैटर्न बनाने का बहुत बार कोशिश कर रहा था लेकिन सक्सेस नहीं हो पा रहा था। लेकिन अभी अगर देखेंगे तो ये एक हायर हाई पैटर्न बना चुका है। मतलब पिछले जो दो रेजिस्टेंस था, दो दो बार जहां से ये घूम के आया है उसको ब्रेक करके ऊपर जा चुका है और वो भी एक बहुत ही अच्छा वॉल्यूम के साथ। तो फ्रेंड्स ये वॉल्यूम देख के और ये पैटर्न देख के हम लोगों को यही लगता है कि ये जो ब्रेकआउट है ये सस्टेन हो सकता है। तो दोस्तों इसी हिसाब से मैंने जैसे आपको दिखाया कि अभी 5x पे ट्रेड कर रहा है, 5x प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है, तो हम लोग इमीडिएट एंट्री इसमें नहीं बना सकते हैं। हम लोग वेट करेंगे थोड़ा सा प्राइस रिट्रेसमेंट का, और हम लोगों का जो एंट्री पॉइंट होगा वो ये ब्लू लाइन होगा जो 66 रुपीज का है। मतलब अगर प्राइस ऊपर से नीचे आके 66 रुपीज को टच करता है तो हम लोग इसको एंट्री बना सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर एंट्री बनाने के बाद प्राइस नीचे आता है तो हम लोग का जो एवरेजिंग लेवल रहेगा वो 55 रुपीज पे रहेगा। मतलब एंट्री होने के बाद प्राइस अगर 55 रुपीज को टच करता है तो हम लोग यहाँ पे एवरेजिंग करेंगे। इसका मतलब दोस्तों जब हम लोग एंट्री करेंगे 66 रुपीज पे तब हम लोग पूरा क्वांटिटी से एंट्री नहीं करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से हम लोगों का जो भी क्वांटिटी बनता है उसका 50 या 60% लेके ही एंट्री करेंगे, और उसके बाद जब प्राइस एवरेजिंग लेवल पे आके टच करेगा तो हम लोग यहाँ पे रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी को एग्जीक्यूट करेंगे। और फ्रेंड्स अगर अनफॉर्चुनेटली प्राइस और भी नीचे आ जाएगा तो हम लोगों का जो स्टॉप लॉस है वो 40 रुपीज के नीचे रहेगा। दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा कि हम लोग यहाँ पे पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं, तो कभी भी स्टॉप लॉस को टच करने से ही हम लोगों का स्टॉप लॉस नहीं होगा। कोई एक डेली बेसिस का कैंडल को 40 रुपीज के नीचे क्लोज होना पड़ेगा और उसका भी लो ब्रेक होना पड़ेगा, तभी जाके हम लोगों का स्टॉप लॉस होगा। और दोस्तों अगर ट्रेड अच्छा चलता है
मतलब अगर एंट्री के बाद या एवरेजिंग के बाद ट्रेड अच्छा जाता है तो हम लोग का जो टारगेट वन होगा वो 88 रुपीज के आसपास होगा, और ट्रेड अगर और भी अच्छा चलता है तो हम लोग का जो टारगेट टू होगा वो 99 रुपीज के आसपास होगा। दोस्तों यहाँ पे याद रखना जरूरी है, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि फर्स्ट टारगेट जो होगा वो 88 रुपीज के आसपास होगा और जो सेकेंड टारगेट होगा वो 99 रुपीज के आसपास होगा। क्योंकि दोस्तों जब लाइव मार्केट चलता है तब ये बोलना बहुत मुश्किल होता है कि कहाँ पे जाके ये कोई रिवर्सल पैटर्न बना देगा। तो अगर 88 रुपीज टच करने से पहले ही हम लोगों को कोई रिवर्सल पैटर्न मिलता है तो हम लोग वहां पे बुक करके निकल सकते हैं, नहीं तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करके बाकी का जो क्वांटिटी है उसका स्टॉप लॉस को हम लोग ट्रेल करके एंट्री प्राइस का या एवरेजिंग प्राइस के ऊपर ला सकते हैं। और दोस्तों उसी तरह अगर टारगेट टू मतलब 99 रुपीज के आसपास जाके भी हम लोगों को कोई रिवर्सल पैटर्न दिख जाता है तो हम लोग यहाँ पे भी प्रॉफिट पूरा का पूरा बुक करके निकल सकते हैं। तो फ्रेंड्स एंट्री बन रहा है हम लोगों का 66 रुपीज पे, एवरेजिंग लेवल है 55 रुपीज पे, जो स्टॉप लॉस है वो 40 रुपीज के नीचे रहेगा, और ट्रेड हम लोगों के डायरेक्शन में जाएगा तो टारगेट वन रहेगा 88 रुपीज के आसपास और टारगेट टू रहेगा 99 रुपीज के आसपास। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को यूट्यूब में जरूर लाइक करें और आपके सोशल मीडिया टाइमलाइन मतलब फेसबुक ट्विटर ये सब जगह पे शेयर करें। और दोस्तों ऐसे ही वीडियो रेगुलर बेसिस पे पाने के लिए हम लोगों का जो यूट्यूब चैनल है इसको आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाए, और टेलीग्राम चैनल हम लोगों का जरूर ज्वाइन करें क्योंकि वहां पे बहुत सारा वीडियो बहुत सारा लर्निंग हम लोग पोस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले एडुकेशनल वीडियो में।